नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र अंतर्गत एपीएल एवं बीपीएल परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम द्वारा शिविर का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड बनाने एवं पेंडिंग राशन कार्ड का निराकरण कराने का मौका मिलेगा। इसके लिए निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। महापौर निर्मल कोसरे ने शिविर के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित करने को कहा है। यह शिविर निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पूरे 40 वार्ड जो नगर निगम भिलाई चरोदा के सभी वार्डों में एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड के लिए आज से शिविर प्रारंभ किया गया है। जो भी हितग्राही एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड से वंचित है, उसका राशन कार्ड बनाया जाएगा। राशन कार्ड बनाने के लिए जो बीपीएल के श्रेणी में है, उसका 1000 वर्ग फीट से कम जमीन होना चाहिए। दूसरा, उनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसका श्रम कार्ड होना चाहिए। चौथा, उसका बैंक का खाता होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के जितने भी सदस्य है, उन सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिया जाएगा। तो इस दायरे में जो भी आएंगे, जो गरीबी रेखा राशन कार्ड से वंचित हैं, उन लोगों का गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा जिसका 1000 वर्ग फीट से ऊपर की जमीन हो और जिसके पास श्रम कार्ड हो और किसान भी हो या मजदूर हो, जो इस दायरे में नहीं आएगा, उसका एपीएल कार्ड बनाया जाएगा। ये निरंतर 4 दिनों तक हमारे यहाँ शिविर चलेगा। आज 7 वार्डों में शिविर किया जा रहा है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 40 में आज शिविर किया जा रहा है। जितने भी आवेदन आएंगे, उसमें छटनी होगा और उन हितग्राहियों के घर में जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के आधार पर फिर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। ऐसे हितग्राही जिसका एपीएल में राशन कार्ड बना हुआ है और वो बीपीएल बनाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में उसका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनेगा जब तक वो राशन कार्ड विलोपित ना हो, जब तक वो। और दूसरा, ये एक स्थिति और निर्मित होगी कि परिवार के सारे सदस्यों का नाम उसमें जुड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि उसका अलग राशन कार्ड हो। चूंकि राशन कार्ड जो है आधार से लिंक हो चुका है, उस स्थिति में जितने भी हितग्राहियों का उसमें नाम जुड़ा है, उसका अलग से राशन कार्ड नहीं बनेगा जब तक वो नाम वहाँ से विलोपित ना हो।